1 2 3। वाह, लगवा भी लिए? हाँ जी, कब लगवाया? सुबह तो मैं गई हूँ, नहीं लगे हुए थे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है फिर अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पेट वगैरह जो है वो फूल गया था। तो फिर जो है ना, मैंने जल्दी से जो है वो भाई को बुलाया, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह और दवाइयाँ जो है वो अभी खाने वाली थी। मेन दवाइयाँ तो अभी खाने वाली है ना, जो गोलियाँ वगैरह है और इस तरह। चलें जी, बहुत अच्छे शूज़ हैं जी, पहनना नसीब हो जी आपको, और ये टूटे भी ना। आमीन। तो ये जी 3 जोड़े इसने जूते के। अभी सभा ये देखना कि अभी देखो आपने 3 लिए ना, हफ्ते बाद आपने नहीं कहना कि यार जूते जो है ना वो। और हसन जानी जो है ना वो इधर खा रहे। आप भी मन्ना खा रहे हो? हाँ सोने, मन्ना खा रहे हो? ये पराठा खा रहा है। अच्छा, पराठा खा रहे हो सोने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा सामान वगैरह जो है वो आ चुका है, और एक मूवी वाला बेहतरीन कैमरा भी आ चुका है। ये देखें, ये ऐसे यहाँ से पकड़े, ऐसे फिर मूवी बनाए। हाँ भाई, अकरम को पकड़ाए और वो करके दिखाए ऐसे। हाँ, करके दिखाओ यार। ये ऐसे था ना, आ रहा था तो अब्बू जान भी कह रहे थे कि आप लग जाए पीछे ना, मूवी पे आ रहे हैं। ऐसे लेके आ रहे थे तो अब्बू जान फिर अकरम भाई को कहता है कि ये क्या, वो आगे मिस्त्री जा रहे हैं, आप पीछे उसकी मूवी बना रहे हो। अब्बू जान ने कहा आप पीछे मूवी बना रहे हैं, मैंने कहा नहीं, ये मूवी नहीं है, ये वो है बर्मा। क्योंकि अभी जी आपको पता है बेड की सेटिंग करवानी थी इनकी, लाइट्स वगैरह और लैंप वगैरह जो है वो ऑन करवाने थे, और यहाँ पे बोर्ड की हमें जरूरत थी, क्योंकि हम यहाँ पे सोते हैं तो मोबाइल चार्जिंग बंदा लगा के यहाँ टेबल पे इस तरह ना रख देता है। तो फिर जो है ना, उधर से अभी वायरिंग करवा के तार नीचे से लेके हमने यहाँ पे अटैच करनी है, और उधर जो है लैंप के इन सारी चीजों के हमने बोर्ड बटन लगाने हैं, ताकि एक एक चीज हम अलहदा चला सके। तो ये अभी जैसे सेटिंग होती है उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग कैसी हो चुकी है। सर्दियां आते ही अब्बू जान ने यहाँ धूप में रेस्ट करना शुरू कर दिया। अभी चटाई बिछा के यहाँ पे अब्बू जान मैं आया वापसी, अम्मी की दवाई लेके, तो यहाँ पे सो रहे थे। अब्बू जान के हाथ में छुरी है, और इधर जो है अम्मी जान आ चुकी हैं, अभी दवाई लेके आए हैं। अभी क्या काटने वाले हैं? माँ के मेरा शुगर खत्म हो गया तो वाकने है खाना। हाँ, ग्रेट फ्रूट सही है। आप अंगूर खा लो, अंगूर भी लेके आए हूँ, तो अम्मी के लिए अंगूर लेके आए हूँ। उसके बाद जो है अभी मैं दवाई दिखाता हूँ, क्योंकि काफी बहन भाई हमारे देखने वाले डॉक्टर भी होते हैं, बहनें भी डॉक्टर होती हैं, भाई भी होते हैं, तो उनको पता लग जाएगा ये दवाई जो है मैंने सही ली है, किस चीज की है, ये सारी उनको पता चल जाएगा। तो ये वाली हमने दवाई ली है जी, ये अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। अम्मी को उधर एडमिट करवाया, फिर दो जो है अम्मी जान को ड्रिप्स लगी हैं, एक छोटी लगी थी एक बड़ी लगी थी। तो ये अम्मी जान की रिपोर्ट हो गई, और उसके बाद ये जो इंजेक्शन है ना, ये वाले 3, और फिर जो है ये 3। ये जो है अम्मी जान को सुबह शाम एक इंजेक्शन लगना है, उसके बाद जो है ये पानी में डाल के पीनी है सुबह शाम, आधे गिलास पानी में। और ये वाली जो है, ये गोलियां हैं, ये एक टाइम खानी है, उसके बाद और इंजेक्शन है, और भी ये वाली गोली है, ये जो है 2 टाइम खानी है, उसके बाद ये है, ये भी 2 टाइम खानी है। तो इस तरह से जी ये यही दवाइयां थी जो आपके साथ शेयर कर दी है। अभी ये अंगूर जो है ना वो नहीं खाने, तो ये जो है ना मैं अभी क्या कहते हैं इसको, उधर फ्रिज में रख देता हूँ। सबा जो है वो शॉपिंग करने गई है, जैसे ही वापस आती है, महीउद्दीन की घरवाली भी, सबा भी और बाजी भी, ये सब जो है अभी शॉपिंग करने गए हैं। जैसे शॉपिंग करके वापस आएंगे इंशाल्लाह उसकी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा कि माशाल्लाह आज उसने कौन सी शॉपिंग की है। बाकी जो घर का काम है अल्हम्दुलिल्लाह काम तो उन्होंने खींच के रख दिया जी, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिट्टी खत्म हो गई थी, मिट्टी नहीं आई, मिट्टी सुबह आएगी इंशाल्लाह, लेकिन उन्होंने काम को जो है वो झंब के रख दिया। अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कौन सी डिजाइनिंग बन रही है, कैसे बनी हुई है। काफी जो है वो काम हो चुका है मेरे पुराने घर में, वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो माशाल्लाह कहाँ तक पहुंचा है।
और आज हमें बहुत ज्यादा बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है, जो कि तकरीबन आपको पता है, पता नहीं 6 महीने 8 महीने मुझे याद नहीं, जब सबा का मोबाइल चोरी हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो चोर पकड़े गए हैं। और अभी मैंने स्टाम्प करके दिया था, ये मेरे अंगूठे पे जो है ये निशान लगा हुआ है। अम्मी जान के साथ मैं हॉस्पिटल में बैठा था, तो वहां पे कॉल आई हमारे थाने से कि अहमद भाई, आपने जो मोबाइल की वो की हुई थी, ट्रेसिंग पे लगाया हुआ था, मोबाइल जो है रिकवर हो चुका है, आप आए और अपना मोबाइल जो है वो रिसीव करें। तो अभी जो है मैं डब्बा वगैरह जो है वो उनको दिया है, स्टाम्प वगैरह दिया है। इंशाल्लाह हमने कहा हमें मोबाइल की इतना ज्यादा वो नहीं है, हमें चोर की ज्यादा जो है वो जरूरत है बताने की कि चोर जो है वो हमारा कौन है। तो इंशाल्लाह वो भी कल जो है जाऊंगा। फिर बहुत ज्यादा खुशी है कि मोबाइल जो है वो सबा वाला पुराना अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो रहा है, उसके बाद जो है दूसरा चोर भी पता चल जाएगा। फिर साफ जाहिर है अभी हम चाहे उसे माफ भी कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं, हमें हमारी चीज मिल गई, अब उनसे हमने कोई इस तरह से कोई कुछ भी नहीं करना, हमने माफ कर देना है। लेकिन ये है कि हमें एक चीज का पता चल जाएगा कि फलां बंदा चोर है, ताकि हम कल जो है कल उसके साथ जो है एहतियात करें, उस बंदे से हम एहतियात करें कि इस बंदे के साथ हमने किस तरह चलना है। तो ये भी कल पता चल जाएगा कौन चोर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ चुके हो बेबो, क्या लिया है आपने? हैंडल वाली कार। पाँव धो लो, चलो चलो पाँव धो लो बेटा, पाँव धो लो, फिर इसको ना गाड़ी दे दो, ठीक है? चल पहले पाँव धो, पाँव ले कर रहा है शॉपिंग, है तो कुछ नहीं आपके हाथ। चलो नहीं, मैं इतना बचना जलील किया, इतना जलील किया, मैं हॉस्पिटल में था वो तो, लेकिन ये सिर्फ मैंने कहा हाथ में गाड़ी, बाकी सामान किधर है? मेरी नहीं, ये तो मुझे फोन किया ना, तो ये तो मैंने भाई को कहा दे दो पैसे, मैं फिर आके देता हूँ, ठीक हो गया? ये तो बेबो की जो गाड़ी है ना, ये तो अलग पैसों की है, जो आपको पैसे दिए थे उसकी शॉपिंग जो की है वो कहाँ है? वो कमरे में भुगतान। चलो देखते हैं, फिर आप फ्री हो जाओ, पहले इसको राजी कर लो, उसके बाद ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफी सेटिंग जो है ये हो चुकी है, आप देखें तारे वायरिंग वगैरह जो है वो हो रही है, और इधर हाँ बस इंशाल्लाह अभी फिर लाइटें चला के दिखाएंगे कि रोशनी कैसी होती है और ये किस तरह से लगता है, और हमारे ये जो लैंप है ये कैसे लगते हैं। जब तक जी उधर जो है वो काम शाम होता है, तब तक ना हम सबा की शॉपिंग देख लेते हैं। आज इसने शॉपिंग की है पूरे 4,000 रुपए की, तो चले अभी दिखाते हैं कि 4,000 में क्या आया है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये अखी मलोल है, क्योंकि ये रोई बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब 4,000 खर्च हूँ। हाँ पहले बकाया दे दूँ आपको। अच्छा चलो, जितने भी है ना ये अपने पास रखो, मुझे ये बात की खुशी है कि आपके पास बकाया बच गया, अपने पास रखो या फिर काम आ जाते हैं, कोई चीज मंगवानी होती है फिर। हाँ, जैसे 2-4 किलो दूध मंगवाना होता है कभी, फिर बंदा मंगवा दो 4 किलो भी नहीं मिलता, किलो मिल जाता है। चलो दिखा दिखा। पहले तो मैं आपको आपके कुछ जरूरी सुना, ये ले सर। ये क्या है? ये आपके लिए मैंने क्रीम बनवाई है। बनवाई है या ली है? खासकर छाइयों के लिए। अच्छा, मेरे लिए बनवाई है, छाइयों के लिए। मैं कहती हूँ कि मेरा शहजादा जो है ना वो बिल्कुल सबसे ज्यादा शहजादा हो जाए, तो इसीलिए जो है मैं क्रीम लेके आई हूँ आपके लिए, और उसमें मैं खुद भी यूज करूंगी, यानी कि आप कल ले करोगे, मैं भी यूज करूंगी। रो क्यों रहे हो, खुशी के आंसू है? अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने अपना हल्का फुल्का मेकअप लिया है। ओए अल्लाह, दुनिया तो हाथ तक भी नहीं रखने देती। ये मैंने अपनी बेस ली है, बहन भाइयों ये बताना है, खासकर सिस्टरों को पता होगा कि ये वाली बेस अच्छी होती है या नहीं, ब्राइडल फेस। और ये जो है ना लैमिनेशनर है, और उसके बाद जो है ना मैंने किट ली है सबसे अच्छे वाली, एक 700 रुपए की थी, एक 400 की थी, एक 1400 रुपए की थी, वो मैंने वो वाले लिए। 1400 वाले क्या मतलब? पूरी किट? अच्छा, मेकअप किट है ये? हाँ। सही है, चलो दिखाओ। ऐसे ऐसे
ऐसे सही है। और भी है यार, और भी निकलेगा इसमें से। हाँ। और किस तरह निकलेगा? हाँ। ये भी निकलेगा ऐसे? हाँ। बाय, ऐसे खींच लो। नहीं खींचा। चलो फिर रहने दो, वो खुल जाएगा बाद में देख लेना। चले सही हो गया, गुड हो गया। और जी थ्री सुचा चाहिए? सबा थ्री सुचे का पता है? लीड अपनी कहाँ पे पड़ी है? अपनी लीड सर मैं बताऊँ आपको, ऊपर छत पे रखी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हसन जानी भी आ चुका है। मोहम्मद हसन, मेकअप देखने आए हो? ये वाला, ये बेस भांज छोड़ो, भांज छोड़ो ये बेस। हाँ जी आगे। आपके पैसे लगेंगे, मुझे क्या है? ये नहीं कहता बेटा, ये ना भन लो। ये क्या है? ये है सर, मेकअप करने से पहले पहले ये मल लो। अच्छा। उसके बाद जो है ना फिर मेकअप करो, उसके बाद इसकी स्प्रे कर दो। ठीक है, समझ लो दीवार पे जैसे कलर करते हैं ना, तो वो साल तक खर जाता है। तो मेकअप भी कुछ इसी तरह का होगा कि वो दो दिन तीन दिन नहीं रहेगा। मैंने भाई को कहा है कि ये कैसे है, तो फिर उसने ना इसी लफ्ज़ में समझाया, कहता है जैसे दीवार को पहले पेंट करते हैं ना। तो अच्छा चलें ठीक हो गया, आगे चलो आगे दिखाओ यार। मैंने आपके ना, आपने कहा था वो शूज के हवाले से, शूज नाराज तो नहीं होंगे? किस चीज पे नाराज होगा? जूतियों पे। ज्यादा ले लिए? हाँ मैंने तीन लिए, ज्यादा नहीं लिए। मैंने सस्ते वाले लिए, तीन लिए। एक जी ये हो गई। वाह कितनी प्यारी ली है, दिल खुश हो गया जी। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? रेट ना दसियो, बाकी ठीक है। रेट नहीं दसांगे। हाँ बस, क्योंकि वो फिर मेरा देखने का दिल नहीं करता। ये भी बहुत प्यारी है। आपको क्या हो गया? जूती देखिए ना, आज इसने जो मुझे मारा है ना चोक। ओए होए होए, चलो जूती दिखाओ, जूती दिखाओ। उल्लू भी कर रहा मैंने। ये मैंने खुसा लिया है, जो बुजुर्ग नहीं लेते चमड़े वाला, वो वाला। वाह 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 वाह, कैसा लगा? क्या ही बात है जी। चलें जी, बहुत अच्छे शूज हैं जी, पहनना नसीब हो जी आपको, और ये टूटे भी ना। आमीन। तो ये जी तीन जोड़े इसने जूते के। अभी सभा ये देखना कि अभी देखो आपने तीन लिए ना, हफ्ते बाद आपने नहीं कहना कि यार जूते जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है फिर मुझे कितनी तकलीफ होती है। जैसे आज मैं खुशी में रोया हूँ ना, फिर मैं गम में रोता हूँ। मेरी तरफ कैमरा करो, मेरे घर के जूती है ठीक है, तो वो तो साल तक इंशाल्लाह जाएगी नहीं। ये जो है ना मैंने बाहर अंदर के लिए ली है, जो कि फंक्शन हो जाते हैं, शादियां वगैरह हो जाती है यार। मजे की छह साल हो गए शादी को, छह साल बल्कि सात साल होने वाले होंगे, तो ये बाहर अंदर वाली जूतियां जो है ना, ये यकीन करें इतनी ली गई है, इतनी ली गई है, यही यकीन करें। अभी मैं कहता हूँ कि मैं यही बाहर अंदर वाली इसकी जूतियां पूरा करता रहूँ ना, तो बस ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब बीवी की जरूरतें पूरी नहीं करोगे तो किसको देगो? दोगे? नहीं नहीं, आप देखो आप। हाँ। कैसी लगती है? कैसा लगा? बहुत प्यारी, बहुत जबरदस्त। हाँ जी हाँ जी, और तो कुछ नहीं है, बस ओके। जो पैसे दिए थे वो 150 रुपया बकाया बचा है बस। सही, और बेबो की जो गाड़ी है वो उधार हो गई है। चले मैं फिर अभी शाम तक जाऊंगा या कल फिर उस भाई को दे आऊंगा। मैं तो नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन जो इसकी हालत देखी है ना, तो फिर अब वो कोई बात नहीं। वो मैंने फिर भाई को मैंने फोन किया ना, मैंने कहा गाड़ी दे दो। मैं ये आपके शहजादे की जूते। किस, कौन से शहजादे की? अच्छा अहमद, मुझसे की बात बताऊं, जो हसन जानी ने जूतियां देखी इतनी इतनी, तो ये रो रहा था, इतनी जोर जोर से आवाजें लगाता, लेकिन इस बेचारे का नसीब भी कुछ ऐसा है कि इसको वो वाली जो है ना आई नहीं है, खेली थी और तिले की कढ़ाई निकले हुए,
वो आई नहीं है इसको। वो उधर उधर देखो उधर। ओए। दरवाजे खोल रहा है। बड़ा हरकती है जी। आते ही आपको भूख लग गई। मैंने रोटी नहीं खाई थी। क्या खाया था? कुछ भी नहीं, बना के चली गई थी। आलू मटर बनाए थे ना? वही हसन है। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ जा रहे हो? ओए सोने, क्या खा रहे हो इधर? क्या खा रहे हो? ऊपर जा रहे हो? अभी ऊपर जाना है? अच्छा जाओ। पता नहीं क्या इंग्लिश मार रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। ओए सोड़े, निकालो बाहर। गंदी है, गंदी है। चलो आ जाओ नीचे, गिर पड़ोगे। नहीं, मैंने रोटी खाई थी। मैंने उधर हॉस्पिटल में रोटी मंगवाई थी, अम्मी जान को भी खिलाया था, मैंने भी खाया था। दवाइयाँ दी हैं यार, कोई ऐसी मर्ज नहीं। ब्लड प्रेशर कभी हाई लो हो जाता है और शुगर भी हाई लो हो जाती है। हाँ, और अभी अम्मी जान सो रही हैं, बाकी शाम को इंशाल्लाह खाना वगैरह देंगे और उसके बाद जो है फिर वो करेंगे, इंजेक्शन लगेंगे और दवाइयाँ भी खाएगी। सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि अम्मी जान बिल्कुल ठीक हो जाए जैसे पहले थी। हाँ जी। उसी तरह हसन हसन माशाल्लाह माशाल्लाह। रात की रोटी? नहीं, 12 बजे का। अच्छा हाँ। अंधेरा भी काफी हो चुका है ना, मैं इसलिए मैंने कहा आ जाऊं इधर, फिर सुबह को आते हैं उधरक के। अच्छा? चूहे से भी डर लगता है ना। हाँ। इस वजह से मैंने कहा फिर ना उसका जो है क्या कहते हैं देख भी आऊं और साथ का। कितनी रह गई अभी? अभी 3-4 और हैं। अच्छा। हाँ। यार उतनी बनाया करो जितनी खा ले, बहुत बची होती है। कब बची थी वो? जब मतलब के ज्यादा मेहमान आ जाए ना फिर वो अंदाजा नहीं होता कि फिर 2-3 ऊपर बना लेते हैं कि ये मतलब के कम ना हो जाए। सही फिर है। वो सुबह को तो मैं खा लेती हूँ ना। सही है। हाँ, जाए नहीं होती। हाँ बिल्कुल। ओवन तो है, इसीलिए तो ओवन लिया है कि जो रोटी बचे वो हम गर्म करके खाते हैं। जी जी जी। ये कहाँ बैठ के खा रहे हो रोटी? यहाँ पे। ये शतीर पे? हाँ जी। एक बेबो किस चीज का सालन है? ये आलू टमाटर। अच्छा, आलू मटर। आप बताओ जी किस चीज का सालन है? आलू और मटर। सही है। चलें दोनों इकट्ठे खा रहे हो, मजा आ रहा है? हाँ जी। कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, खाते रहो खाते रहो, सुकून से खाते रहो। ठीक हो गया? और हसन जानी जो है ना वो इधर खा रहे। आप भी मन्ना खा रहे हो? हाँ सोने, मन्ना खा रहे हो? ये पराठा खा रहा है। अच्छा, पराठा खा रहे हो सोने? ये क्या तल्ले सलवार उते शर्ट, ये कैसे बन गए हो? नहीं अभी ना कपड़े चेंज कर रहा हूँ ना। अच्छा, शादी पे जा रहे हो अभी? हाँ शादी पे जा रहा हूँ। अच्छा चलो, खैर खुशी से जाओ, फिर बताना कैसी शादी है, हम आ जाएंगे। चलो ठीक हो गया? ओके हो गया। तो जी प्यारे बहन भाइयों, शादी का जो है वो यहाँ पे आए थे भाई, शादी का कार्ड दे के गए थे और इनवाइट करके गए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप जब सब आएंगे तो शादी में जो है मस्जिद रौनक आ जाएगी, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है उधर फंक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चलती है, तो बड़ा यानी कि एक यादगार लम्हात बन जाते हैं, यानी कि खुशियाँ जो है वो दोबाला हो जाती है। तो मैंने कहा हमारी भी कोशिश थी तो हमारी जाने की, सबके जाने की, बस वो अभी हम तो अभी नहीं जा सकते, कल शायद इंशाल्लाह
हम जाएं, कल का भी हमारा कोई पता नहीं है। तो अम्मी जान की तबीयत ख़राब थी, सारा दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, अभी लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह अभी आज रात देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है। अभी अम्मी जान को इंजेक्शन भी लगवाने हैं, वो भी लगवाएंगे खाना खाने के बाद। उसके बाद कल फिर अभी से पूछेंगे, उसकी तबीयत सही हुई वो कह देगी कि बेटा आप जाएं, 2-3 घंटे में आ जाए वापस तो चले जाएंगे, अगर वो नहीं कहेगी तो फिर नहीं जाएंगे। सबा आपको ना आज सरप्राइज देना है, ये आप अपने बेडरूम में जाओगी ना जी, उसमें सरप्राइज होगा। अच्छा हाँ जी, चलें जी, मैं अब्बू जान के लिए सालन ले लूं, क्योंकि हमने आलू मटर बनाया ना। हाँ। तो शायद अब्बू जान ना खाएं। हाँ, क्योंकि दोपहर को खाए है ना। हाँ। अभी ये इन्होंने क्या बनाया है? दाल बनाई है। हाँ, चेंज हो जाएगी ना। सही है, दाल ले लो, फिर पूछ लेना, दाल भी है आलू भी है, फिर जो एक्सेप्ट करेगा अब्बू जान। इनकी फीकी फीकी दाल। और अम्मी जान तो वो चावल खाएगी, वो रखी है, वो दूध वाले बनाए गए हैं ना, जो नमकीन चावल वो वाले खाएगी। हाँ, फ्रिज में रखे थे ना, आपको फोन किया था। ये क्या, आप भी शादी पे जा रहे हो? हाँ जी। आपको क्या जरूरत है? चाचू ने कहा फिर मुझे। अच्छा, नहीं बेटा ऐसे नहीं जाना चाहिए शादी पे ना, ठीक हो गया? हाँ, हालात के मुताबिक फैसला करना चाहिए ना। हाँ जी। तो अभी रात भी हो गई है, सफर भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी। चाचू तेरा तो आपको पता है, ये तो भाई नहीं सोचता ना कुछ। हाँ जी। आप तो अच्छे बच्चे हो ना। हाँ, हाँ। फिर अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, पेट वगैरह जो है वो फूल गया था। तो फिर जो है ना, मैंने जल्दी से जो है वो भाई को बुलाया, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह और दवाइयाँ जो है वो अभी खाने वाली थी। मेन दवाइयाँ तो अभी खाने वाली है ना, जो गोलियाँ वगैरह है और इस तरह। तो फिर जो है ना, अभी इंजेक्शन जो है ये लगा रहे हैं, ये एंटीबायोटिक होता है, मतलब हर चीज़ के लिए ना ये सही होता है। ये मेरे ख्याल में पूरा लगाना है, कह रहा था बिल्कुल आराम आराम से लगाना है, पूरा लगाना है, एक सुबह शाम। ये वैसे लगते हैं हाँ, वो तो आप डॉक्टर साहब हैं, आपको तो हर चीज़ का पता है। वो मैं मुझे समझा रहा था, मैंने कहा ज़रूरत नहीं, वैसे मेरे हमारे अपने घर के डॉक्टर हैं, एक नहीं बल्कि अभी तो दो है ना, एक सुल्तान भाई एक आप। और उस्ताद शागिर्द, उस्ताद शागिर्द, हाँ सुल्तान आपका शागिर्द है ना। हाँ जी, सबसे पहला उस्ताद मैं हूँ। सही, अम्मी कह रही है कि पेट का जो मसला है, अभी गैस बंद हुई पड़ी है, ठीक है, खाना वगैरह कुछ खाया नहीं है। फिर खाना दोपहर को खाया था, एक रोटी। अच्छा, एक रोटी खिलाई थी। अम्मा ने पता क्या बोला है, कहती है उधर बोतलें लगाई गई हैं, ठीक है, शिकल लगाई पोछा ही हुआ थी, बोतल लग गई है, ठीक है, लो लंदन बाद में तो मां के मेरे सर से गाटे डाटा दर्द है वाला, जो मैं कहता ना तो एक खवा के चाय, ये क्या खवा, मैं भावा रोटी खवा वाला, एक रोटी खा दी है बाद है, पर रात थी बोतल चली गई है। उससे कुछ नहीं है, वो तो कोई मसला नहीं है। वो जब दर्द बताया ना, उन्होंने फिर बीपी और शुगर ये दोनों चीज़ें चेक की ना, क्योंकि दर्द होता है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो बीपी जो अम्मी जान की वो थी ना शुगर, वो खाली 90 पे थी। चलो हाँ, और उसके बाद ब्लड प्रेशर पता नहीं कितना था, मुझे याद नहीं। हाई हो जाए फिर भी परेशानी, लो हो जाए उससे ज़्यादा परेशानी। बिल्कुल, तो कुछ मीठा खिलाया होगा उन्होंने। बुखार उधर अम्मी चेक किया था, बुखार नहीं था सुबह जब चेक किया था। बुखार है मुंशी, अभी है वो। यार जाओ मेरे घर, अपनी मामी से बोलना कि फ्रिज में थर्मामीटर पड़े हैं, वो तो थर्मामीटर ले आओ बुखार वाले। मतलब 100 पे नहीं होता ना, 100 पे बड़े बंदे के लिए कुछ नहीं। अच्छा वैसे मतलब अभी बुखार हो तो इंजेक्शन नहीं लगेगा? हाँ, इधर हाथ रखे ना, दवाई बेचा खिला दें, बहुत ज्यादा। चलो बुखार का भी पता चल जाएगा यार, अभी चेक कर लेते हैं, है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंजेक्शन लगा देते हैं। नहीं अभी ऐसा नहीं, वो सही हो जाएगा, दवाई खिलाते सही हो जाएगा। बेबो
जाओ बेटा अपनी दादी अम्मा के लिए एक गिलास पानी, अम्मी पानी तो यहाँ पड़ा होगा वो निकोल वाला, बस है पानी है बस आप चाय पियो, वो गोलियां खानी है ना उसके साथ। अच्छा जाओ अपनी मम्मा से कहो एक गिलास पानी ले आओ दादी अम्मा के लिए, चलो जल्दी से आ जाओ बेटा। बेबो जानी जो है वो माशाल्लाह पानी ले आए हैं। ले आए हो बेटा, अभी क्या पी रही हो? चाय। हाँ। अच्छी है। हाँ। चलो इधर बैठ के पियो, बैठ जाओ बेटा आराम से। हाँ ऐसे बैठ के पीते हैं, ठीक है? जो है ना ये दिखा दें उधर, इस पोजीशन में ना ये हम दे रहे हैं तो कैसा है वो आएगा इंशाल्लाह, किसी का कमेंट भी कितना है, अच्छा कैप्सूल है। वो मैंने जब दवाई लेके आया था मैंने सारी दिखाई थी, तो अभी जो है ना हम ये जो है अभी दे रहे हैं ना, इसमें से ना आप भाई एक एक निकालें सब में से, तो फिर जो है ना अम्मी जान खा ले, क्योंकि बुखार में ये तो हम ले सकते हैं, इंजेक्शन नहीं ले सकते ना। एक कैप्सूल हो गया, एक ये हो गई, एक मिनट बेबो। नहीं वो जरासीम होते हैं, आपके हाथ ना गंदे हैं ना तो वो गोली गंदी हो जाएगी, जब हाथ साफ होंगे फिर आप निकालना। चलें जी, ये तीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकाल ली हैं। अभी थर्मामीटर जैसे आते हैं फिर चेक करते हैं कि अम्मी को बुखार कितना है, उसके बाद फिर उस हिसाब से जो है ना अगर इंजेक्शन लगाना पड़ा तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो जी अभी सबा को जो है ना वो मैं लेके आया हूँ सरप्राइज देने के लिए, तो ऐसे मुड़ो ऐसे चलती जाओ लगता था नीचे करो ऐसे, हाँ यहाँ पे ऐसे। तो अभी जो है जी इसकी आंखें ओपन करते हैं, हाथ जो है वो हटाते हैं, कैमरामैन इधर से आ जाओ आप, तो अभी इसका रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन जो है वो क्या आता है। 1 2 3 वाओ, लगवा भी लिए? हाँ जी। कब लगवाया? सुबह तो मैं गई हूँ, नहीं लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारी मैंने सेटिंग करवाई है और आपको ये सरप्राइज देना था, तो ये कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरा तो जिस्म भी कांप रहा है। चले जी माशाल्लाह, मेरा कमरा जो है ना फुल डेकोर हो चुका है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये देखे जी कमरे की टोटल लाइट्स ऑफ है और अभी जो है सिर्फ ये लैंप चल रहे हैं, लैंप के ऊपर वाली लाइट, बेड वाली लाइट, उसके साथ ये लाइट, उसके साथ ड्रेसिंग की लाइट ये, और साथ में ये भी लैंप, तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह जल रही हैं। और मज़े की बात बताऊं सब आपको जी। एक मिनट अभी तो और बात भी है ना क्या? अभी हम यहाँ बेड पे सो रहे होते हैं ना, नींद आ जाती है या मोबाइल चार्जिंग ये वो सारा कुछ ना, फिर इधर आते हैं लगाने के लिए, फिर इधर से उठाने के लिए, वो बोर्ड खड़ा है सामने देखो। वो तो आपकी साइड पे हो गया ना? वो हो गया मेरी साइड पे, लेकिन इधर मिसाल के तौर पे मैं, मेरी जाग होती है मैं लगा देता हूँ, तेरी होती है ये, मतलब बोर्ड लगाओ यहाँ पे लगा के नीचे टेबल पे मोबाइल रख देना, ठीक हो गया। अभी जैसे मैं बाहर आपको कहता हूँ ना मेरा मोबाइल उठा के दो, तो फिर आप ना पता कैसे करती हो ऐसे। तो फिर जो है ना अभी मैं आपसे मोबाइल नहीं मांगा, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग लगाता हूँ फिर कहता हूँ ले दो, फिर कहता हूँ लगा दो, फिर कहता हूँ ले आओ, फिर कहता हूँ लगा, फिर इंसान पच्ची हो जाता है ना, तंग हो जाता है, तो इस वजह से ना मैंने फिर वो उधर ही बोर्ड लगवा दिया। चलो मैं ना अम्मी का बुखार चेक कर रहे हैं, देखते हैं उसका बुखार कितना है। अच्छा ये भरा हुआ ना रख दिया, रख दे ये भरा हुआ, खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा गर्मियां होती तो ये इधर ही रख देता हूँ, मतलब हाँ इधर ही रख दे, ऊपर रख दे अलमारी में, ये दवाइयां भी और ये फिर लेट नाइट जैसे जागते हैं ना फिर हम आएंगे चेक करेंगे बुखार डाउन होता है, इंजेक्शन लगा देंगे, फिर याद से इंजेक्शन लगाना है फिर। हाँ बाकी दवाई तो खिला दिया, हाँ बाकी तो खिला दिया, नहीं नहीं इधर रख दो बेटा, इस जगह पे रख दो फिलहाल, ये भी रख दो बेटा आराम से। चलो ठीक हो गया बेबो, आपने लगवाना है बेटा इंजेक्शन? नहीं। आप ठीक हो? हाँ। अच्छा आप कैसे हो? ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हो? हाँ। चलो फिर नहीं लगवाते, ठीक है? हाँ। अब इंजेक्शन से बचने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा कर। कहाँ लेके जा रहे हो चाय? अबूजान को। खा लिया अबूजान ने खाना? हाँ। आपने? नहीं मैंने उस टाइम खाया था जब शॉपिंग से वापस आए थे।
आपने खाया? खा लिया? कहाँ जा रहे हो? को दादा बुकुदेन। चाय पीनी है? चाय पीनी है? ओ देखा। नीचे नहीं उतरो यार, नीचे नहीं उतरो। सबा, ये वाला दरवाजा तो खोल दो। ये मेन गेट खोल दो तो मैं गाड़ी अंदर खड़ी कर दूँ। पहले ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ये जो इसकी ये खिड़की है ना, ये जाम हो गया, चलती भी नहीं है। अच्छा, ये सुबह हम ना इसमें वो बना रहे थे, कुछ ग्राइंड कर रहे थे, वो ये देखो। ये तो गस, ये अंदर फंसी होगी ना, खत्म हो गई होगी। सही से चले, वो चली है, वो चलती है खाली। मैंने डर के मारे चलाई नहीं है, वो ऐसे जोर से चिकाट किया, जल्दी जल्दी हमने बंद कर दिया, फिर मैंने डर के मारे चलाई नहीं है। अगर वो चलती है तो इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं चलती फिर बड़ा मसला। उसको मैंने लगाया नहीं है डर के मारे, मैंने कहा शायद कुछ हो ना जाए। फिर चलो ये ना मेन दरवाजा खोलो, मैं गाड़ी अंदर खड़ी कर लूँ। आज आपको पता है मेरी तबीयत कैसी है। अच्छा। मुझे आज नींद आ रही है टाइम से, तो आज मैं सो जाता हूँ टाइम से। ठीक है, ताकि टाइम से सोऊंगा ना तो नींद अच्छी होएगी, सुकून की नींद आएगी, और कल फिर जल्दी उठना है ना। ठीक हो गया? तो जी यहाँ पे सर जी गाड़ी लेके आए हैं, और यहाँ पे जो है ना इसको नींद आ गई है। हेलो सर, अहमद यार अंदर कमरे में सो, यहाँ पे क्या सो गया? उठो। मैंने आपको कहा भी है, मुझे इतनी नींद आई हुई है ना आज, इतनी आई हुई है ना, ना पूछो। अच्छा आ जाओ अंदर सो जाओ, आ जाओ। अच्छा हाँ, उठो 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 उठो, कमरे में बल्ब भी है, पंखा भी है, समझा नहीं, गिर जाओगे, आ जाओ। पंखा नहीं चलाना सकती। अच्छा मच्छरों की वजह से तो चलाएंगे ना? हाँ मच्छरों की वजह से। उठो उठो बेवजह नहीं, बाबा की बाजू पकड़ो, अंदर ले चलो इसे, नहीं पकड़ना। ये पोतर तुम आज बाजू पकड़े ना था बाल पीछे ना, वो बेचारा छोटा है ना, डरता है कि ये बाबा मेरे ऊपर ना गिर जाए। जो हालत हुई पड़ी है, बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, एक मिनट भी नजर ना आए तो रोने लग जाता है कि बाबा कहाँ है। कह देता है बाबा पैसे दो चीज ही ले लिए। हाँ तो ऐसे ना बेबा, अभी पैसे लिए है ना, चीज ही लिए है ना। चलें जी सर जी अंदर तशरीफ ले चलें। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी रात के 7:30-8:15 हो रहे हैं जी, और अभी बेबो जानी भी सो गया है माशाल्लाह, ये देखे बिल्कुल नींद आ गई है। और उसके बाद जो है ये देखे हसन, हसन अभी तक जाग रहा है, और मुंशी ने सिर्फ चाय पी है। आज खाना जो है वो अकरम भाई के घर से खा लिया, तो मुझे लगता है मुझे अपनी बहन को शिकायत करनी पड़ेगी कि तुम इधर भी रोटी पकवा लेते हो, फिर उधर जाके खा लेते हो, फिर किसी और के घर रोटी पकवा के किसी और के घर खा लेते हो। ये जो है ना बहुत बड़ा धोखा समझा जाता है, तो ऐसा ना किया करो। मेरी बात सुने, वो मुझे उन्होंने कहा था ना जो आज जो है ना हमारी दावत है, लेकिन ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप आपको कहा था, फिर आप हमें कह देते कि आपने मामू रोटी नहीं बनानी। मैं इधर लेट आया हूँ, मेरे ख्याल में आपने बना रखी होगी, तो मैं फोन कर देते ना। से शॉपिंग से वापस आई हूँ, आप मेरे पास आए थे ना, मामी वापस आ गई है, मैंने कहा हाँ, तो उस टाइम बता देते। उस टाइम मैंने नहीं बनाई थी, आटा गूंदा हुआ था वैसे सवेरे सुबह का, लेकिन मैं आटा रख देती फ्रिज में, हम सुबह बना लेते। हाँ जी, तो अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला अपनी बहन को कॉल करूंगा, उसे कहूंगा अभी तेरा बेटा जो है ना ऐसे करने लग गया है, एक मामू को कहता है फिर दूसरे मामू के घर, दूसरे मामू को कह के तीसरे मामू के घर, तीसरे को कह के चौथे के घर, चौथे को कह के पांचवे के घर, ये इसने काम पकड़ा हुआ है। पांच मामू तो है। हाँ पांच मामू, किस किस को नाराज करेगा। हाँ सही बात है, चले कोई बात नहीं। तो अभी जी अम्मी जान ने भेजी थी हमें ये वाली मिठाई माशाल्लाह, तो सब ने खाई, मैंने नहीं खाई थी, टेस्ट की थी और इतनी अच्छी थी बहुत ज्यादा। अभी दोबारा से जो है टेस्ट करते हैं। ये माशाल्लाह डब्बा था, इसमें से अम्मी अब्बू दोनों को दिया था ना, वो खा रहे या खा गए? नहीं, अब्बू ने थोड़ी सी रखी हुई है। सही, अम्मी ने, अम्मी ने रखी होगी। अम्मी को कहो मीठा खा लो, शुगर आपकी लो हो गई। अब्बू को दिया था कटोरी भर के, मैंने कहा अम्मी को भी दो आप भी खाओ। अच्छा, फिर दोनों इकट्ठे अंदर बैठे थे, फिर मुझे पता नहीं ये दोनों ने खाया है या फिर अब्बू ने खाया है या फिर जैसे भी। सही हो गया।
तो चले अभी मैं भी खा लेता हूँ और उसके बाद फिर मजे की बात है, अम्मी को जो है ना हमारी अम्मी को जो है वो हमारे जो पेड़े है ना खानपुर के मशहूर वो पसंद आए हैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा, और हमें जो है वो अम्मी की ये मिठाई पसंद आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, और मजे की बात बताएं, एक ऐसा चांस बना कि इधर जो है वो मिठाई पहुंच गई हमारे घर, उधर से हमने कॉल की अम्मी जान मिठाई पहुंच गई, तो कहती है बेटा वो पेड़े भी पहुंच गए। मैंने कहा चलो खा रहे थे, वो भी उधर से खा रहे थे। हाँ तो चले जी अभी मैं खा लूं क्योंकि ये सबा फिर सारा खा जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय 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 कर दो बेबो, उसको उसकी खुद बाय बाय निकल रही है। ओए हसन हसन, बाय बाय कर दो।